मुंबई उपनगर के बोरीवली में सबसे बड़ी पुल पार्टी का आयोजन क्रिसमस 25 और 31 दिसंबर पर होने जा रही है। इस भव्य पुल पार्टी का आयोजन सौरभ मेहता ने किया है। इसी का जायजा लेने इसके रिजॉर्ट बोरीवली में पहुंची बॉलीवुड की अभिनेत्री पूनम पांडे। पूनम पांडे ने डीजे पर डांस किया एवं सौरभ मेहता के इस भव्य आयोजन का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यूथ को क्रिसमस एवं 31 की नाइट पार्टी हेतु शहर से दूर जाने के बजाय बोरीवली में ओएसिस 2023 की पार्टी में शामिल होकर एंजॉय करने का बहुत बढ़िया मौका है। वही इस मौके पर पहुंची अभिनेत्री सुगुनी जोशी ने भी ओएसिस 2023 की पार्टी में आने की अपील की। इसकी तैयारी बहुत, मतलब ऊपर वाले से क्या ही मांगू मैं सर, मतलब शुरुआत से ही अभी कुछ शूट्स अच्छे लाइंड अप है। दो वेब सीरीज साइन कर लिए मैंने, तो बस उसी की शूट चालू करूंगी 2023 से। बिग बॉस में अगर आप इस बार एसके रिजॉर्ट की पर लोग अगर आप कुछ बोलना चाहो तो मेरे को इससे अच्छी क्रिसमस पार्टी मैं नहीं मांग सकती थी, और स्पेशली मुंबई जैसे शहर में इतना खूबसूरत पूल आप बोरीवली में यहाँ पे इतना जो आपने इतना इज मेड समथिंग सो प्रिटी, आई मीन आई एम शॉक्ड, आई एम लाइक लिटरली वाओ, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोना कम हियर गाइस, आई एम बीइंग वेरी सीरियस, आई एम गोना कम हियर whenever I'm free, I'm gonna come and chill in this pool. That's for sure. I'm doing that. After the DJ pe dance kiya, aap hai bhi right? Yeah. Of course. Yeah, Christmas hai. नए साल की शुरुआत होने वाली है, 2023 हमारे पास आने वाला है, और आपको इससे ज्यादा मतलब आप मांग ही क्या सकते हो वाले से, इतना अभी साल बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है। I mean, look at me, that's such brilliant work here. So, as I'm looking forward. क्रिसमस पार्टी तो बहुत ही अच्छी जा रही है, और रात मेरी खूबसूरत होगी आज के अंदर। हम लोग की फॉरवर्ड टू 2023 से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इन सभी को ये अपील नहीं है बोलना चाहूंगी, यू नो प्लीज आप आइए ऐसे रिसोर्ट में, इतना खूबसूरत इतना उम्दा पूल है, ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। आई मीन इफ यू वॉन्ट टू हैव योर यू नो वेकेशन, आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से निकल के 10-15 मिनट पास में यहाँ पे इसके रिजॉर्ट में आ सकते, चिल कर सकते हैं, एंड सच अ ब्यूटीफुल मेमोरीज मेड, इतना अपने यू आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कहाँ से इतना अच्छा आइडिया आया टू मेक समथिंग लाइक दिस, वो भी यू नो यहाँ पे, इट्स लाइक सच अ प्रीटी थिंग। सेलिब्रेशन जो कि 2 साल लॉकडाउन में सब लोग ने गुजारे, किसी को 31st का न्यूज पार्टी एंजॉय करने का मौका मिला ही नहीं सही से पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से। सो इस बार पूनम जी भी आई तो 4 चांद लग गए हमारी पार्टी में। सो मैं चाहता हूँ कि सभी नॉर्थ मुंबई के वासियों को पार्टी करने के लिए जाना पड़ता है दूर, अंधेरी जाते हैं लोग, बांद्रा जाते हैं लोग, टाउन साइड जाते हैं लोग, तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे आसपास के मेरे भाई बंधु मित्र बच्चे पूरे हमारे पास डेडिकेटेड किड जोन भी रखा हुआ है खासकर बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्यारे भाई बंधु जितने भी दोस्त लोग हैं हमारे सब अपने घर के पास, इतना बड़ा वातावरण इतना प्यारा रिसोर्ट है, लेट्स कम हियर एंड लेट्स पार्टी द न्यू, लेट्स सेलिब्रेट 2023 इन स्टाइल, एंड since you are here, मैं आ रही हूँ वापस। आप बड़ी शुभ बातें कर रहे हो, बहुत ईजी हो जाएगा, कितनी खूबसूरत बात बोली की लोग यहाँ जाते वहां जाते जाते, you just have to get down and it's like बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए इतने सारे लोग के लिए यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, और आप यहीं पे आके पार्टी कर सकते हैं पूल में, you know इतना बड़ा पूल है ये, I don't think I've seen something like this in entire Mumbai, so I think you know to get something like this, I think it's fabulous sir. सर यहाँ पे क्या क्या सुना है अभी, और शानदार हो जाएगी जब पूनम जी हमारे साथ आई, तो अभी आपके एवी के बाद तो मेरे को लगता है हम लोग को इतने ज्यादा बुकिंग आ जाएंगे, क्राउड जो है फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस इतनी ज्यादा बुकिंग। पूनम जी को लाने का मेन उद्देश्य क्या था? पूनम जी ग्लैमर इंडस्ट्री के एकदम नामचीन हस्ती है, लेकिन तो चाहती भी अभी ऊपर हम लोग ने देखा
तो उस हिसाब से पब्लिक के उसके फैन फॉलोइंग अच्छे हैं पूनम जी के। पूनम जी जनरली पार्टी वार्टी में दिखाई जाती है उनको, तो इसलिए हमने बोला कि पूनम जी को इनवाइट करते हैं। थैंक यू। और मैडम ने टाइम भी दिया और आ गए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जबरदस्त फैन आपके बाजू में बैठे। क्या क्या बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की है एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू नो फॉर सबसे पार्टी का आयोजन किया गया है क्रिसमस और 31st के लिए। जी, तो मैं पहली बार ये जगह पर आई और मतलब थोड़ा मेरे मतलब जो उस तरफ का एरिया वहाँ से थोड़ा दूर है अंधेरी और पता नहीं था क्या एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि इतना अमेजिंग होगा बट मतलब अनएक्सपेक्टेडली वाज अमेजिंग और क्राउड देखा इट वाज जैम पैक्ड एंड दिस इज क्रिसमस आई एम श्योर न्यू ईयर गोना बी रियली रॉकिंग टू जो नॉर्थ रीजन की क्राउड है सिटी में जा नहीं पाती है एंजॉय के लिए 31st को क्रिसमस को ऐसे लोगों के लिए पुल पार्टी जो है कितना हाँ के तरफ के लोग तो सब उधर ही पार्टी करते हैं। मुझे तो ये जो आई थिंक पूरा दहिसर और बोरीवली कांदीवली पूरा वही एरिया है ना तो वो सब लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज इट इज एवरीथिंग पूल है क्लब्स है और ऐसा नहीं है मतलब जब भी रिजॉर्ट समझते ना तो सोचते सिर्फ फैमिली क्राउड होगा बड़े लोगों के पर आप ऊपर जाके देखिए इतना यूथ क्राउड है सो आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। आकाश जी क्या कहेंगे आज पूनम पांडे जी और सुधीर जी यहाँ पे आई हुई हैं एकदम क्राउड यहाँ पे बहुत जमा हुआ है आज जैसे कि आप सबको पता है क्रिसमस ईव है आज क्रिसमस ईव है कल क्रिसमस का दिन है और उसी के पार्टी के चलते हमारे पास आज यहाँ पे हमारे एसके रिसॉर्ट्स में सुगुड़ी जोशी जी आए हैं पूनम पांडे जी आए हैं तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे इस आज के इवेंट पर आने के लिए और बेसिकली हमारा 31st का जो न्यू ईयर्स पार्टी है उनके लिए भी एक ये प्री पार्टी जैसा एक हम लोग ने रखा हुआ है जहाँ पे एकदम ग्रैंड पूल साइड पार्टी रखी हुई है जिस यहाँ पे एसके रिसॉर्ट्स की लॉन पूल साइड एरिया और जो अपर डेक सेक्शन है वहीं पे है बट अफसोस की बात है कि सुगुई जी शायद से उस दिन पे बिजी है तो उस दिन हमको ज्वाइन कर नहीं पाएंगे इसलिए आज उन्होंने हमारे थोड़ा वक्त निकाला है। तो मैम आज जो है कितना एंजॉय करने वाले अभी तो मैं आई हूँ मैं वेट कर रही थी कि मैं पहले आप लोगों से फ्री हूँ फिर जाके पार्टी करूँगी क्योंकि आज क्रिसमस ईव है और क्रिसमस इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉलीडे सो ऑफ कोर्स बहुत पार्टी करने वाले हूँ। पास में पड़ जाता है क्लब कहीं ना कहीं जो है बात करें क्लब की तो दूर है क्लब जो है वहाँ लोग जो है पार्टी करने में थोड़ा दूर हो जाते हैं तो वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाते तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा। देखिए ऑनेस्टली ना फॉर मी ये जगह बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैं उस तरफ रहती हूँ अंधेरी साइड पर रहती हूँ और मुझे ना इट माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड बट मुझे ना अपने जो पुराने भीड़ और वो सब लोग जो होते हैं सब पहचान वाले उनके साथ पार्टी करना इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है सब बहुत पार्टी कर ली नई जगह पे जाए तो नए लोगों से मिले तो मेरे लिए इट्स अ न्यू थिंग आई विल गेट टू मीट न्यू पीपल और नया एक्सपीरियंस है तो आई थिंक